हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के प्री बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर किस तरह आएगा, और फ्रेंड्स वो भी 2021 में। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 70% सिलेबस से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो 30% सिलेबस है उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उसके बारे में आप मत सोचिए, 70% सिलेबस को देखिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन पेपर को आपको हल कैसे करना है, और फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, यानी कि ये अबकी बार का ही पेपर है, या मेरे अभी स्कूल में हाल ही में हुआ है, यानी 2 दिन पहले हुआ है। और फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि इसमें सारे कुछ आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ, आपको किस तरह मॉडल पेपर, समझ लीजिए मॉडल पेपर की तरह है, इसको हल कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान से वीडियो देखना है। एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन फॉलोइंग पैसेज, तो इसमें दिया गया है कि किसी एक पैसेज का जो संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यानी कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें करना क्या, आपको सिंपली आपको इनमें से किसी एक को ही करना है, लेकिन सबसे पहले आपको दोनों को पढ़ लीजिए, यानी कि दोनों को कंफर्म हो जाएगी कि किस चैप्टर से लिए गए हैं और इसके लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ें कंफर्म हो गई, उसके बाद क्या करना है आपको, किसी एक का यानी कि जो आपको लग रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन हम, यानी कि इसकी जो व्याख्या होती है इसको हम आसानी से कर सकते हैं, उसके बारे में आपको ध्यान देना है। यानी कि मान लीजिए आपको पहला लग रहा है कि ये जो है आप पढ़ेंगे तो देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बींग अलोन इन ए कैरिज, यानी कि देखिए डिब्बे में अकेला कौन यात्रा कर रहा था, तो लेखक यानी कि एजी गार्डनर का मतलब कि यह फेलो ट्रेवलर से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, एजी गार्डनर। तो फ्रेंड्स, ये करना कि आपको इसका आपको रेफरेंस सही लिखना है, और जो कॉन्टेक्स्ट होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, उसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, यानी कि मतलब उसको आराम से अपने मन से बना बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बस जो है रेफरेंस सही होना चाहिए आपका। रेफरेंस का मतलब होता है कि इसके किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये चीज़ें सही है तो आपको इसमें से 10 में से फ्रेंड्स 8 नंबर 9 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ये मेरा दावा है। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए क्या करना है आपको, आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड, यानी कि 30 शब्दों से ज़्यादा आपको आंसर नहीं देना है लेकिन इसमें फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन दिए गए, तीनों में से किसी एक का ही करना है आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द ऑथर्स फेलो ट्रेवलर, यानी कि जो लेखक के साथ उसका सहयात्री कौन था, उसका नाम क्या है, तो ये चीज आपको बताना है। इसके लिए आपको फ्रेंड्स 5 नंबर मिल जाएंगे, 30 शब्दों में बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको आप अपने टेनियर वगैरह से देख लीजिए, क्योंकि आपको जिसे उस तरह देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको टेनियर से देख लेंगे इसका आंसर क्या है, ये चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार इसमें से अगला क्वेश्चन, यदि आपको पहला नहीं आ रहा दूसरा कर लीजिए, व्हाट केसेस द डिसलाइन ऑफ वुमेनहुड, ये देखिए हेरिटेज ऑफ इंडिया से लिया गया है, यानी कि बचपन में यानी कि क्या वर्णन किया गया है अकॉर्डिंग टू द राधाकृष्ण, यानी कि स्त्रियों के पतन के बारे में क्या वर्णन किया गया है, और वो भी किसके अनुसार, राधा कृष्णन के अनुसार। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कॉस्ट, तो ये बारे में आपको वर्णन करना, यानी कि इसमें से किसी एक का आंसर आपको लिखना है, इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेलेक्टेड द मोस्ट सेट्यूएबल वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन विद इन द ब्रैकेट्स, इसमें से यानी ब्रैकेट में दिया गया है उसमें से आपको छांट करके इसमें लिखना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर भी बताऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखिए, और अभी से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, यानी कि वह किस चीज़ से जा रहा था, ट्रेन के द्वारा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाई, ठीक है, इसमें बाई भरा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आवर सिविलाइजेशन विल रिटर्न, तो फ्रेंड इसका इसमें क्या बताया, रिटर्न इट्स कॉन्टिन्यूसली, तो ये चीज़ मैं आपको सही से बता रहा हूँ, आप गलत मत मानिएगा कि ये गलत बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई बिगेन टू इंटर इनटू द फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा गलती लगता सही है आई बिगेन टू इंटर द ऑफ, यानी कि फ्रेंड्स वो लेखक जो किस चीज़ में उसके जो है सहयात्री के किस चीज़ में प्रवेश कर रहा था, तो आत्मा में, यानी कि उसके बारे में जान रहा था कि गलती क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे स्पिरिट मतलब आत्मा होता है, तो स्पिरिट ऑफ द फेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नेचुरल क्वालिटी ऑफ, यानी कि नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक गुण होता है वह किसमें दया का भाव होता है, दया का भाव यानी कि स्त्रियों में होता है, तो स्त्रियों यानी कि वुमेन हो जाएगा, ठीक है, वुमेन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4th नंबर है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी कि 30 शब्दों से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, यानी कि ये जो फ्रेंड्स
ये जो समरी से होता है, यानी कि जो सारांश कहानी से होता है, उससे आपको आंसर लिखना है, जिसका मैं आपको तीन, इसमें फ्रेंड्स कोई दो लिखना है, यानी कि तीन दिया है इसमें से आपको दो करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल, यानी कि शंकु किस कारण से कई दिनों सो नहीं पा रहा था, इसको वर्णन करना है। तो आपको इस पर वर्णन आपको 10 ईयर वगैरह मिल जाएगा, आप अपनी कॉपी में लिखे होंगे, नोट बनाए होंगे, उससे देख लीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ शंकु स्टील द वॉच, ठीक। वह शंकु क्यों घड़ी को मतलब उसके चुराने का वर्णन करना है आपको, क्यों चुराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज एस्ट्रोलॉजर, यानी कि जो ज्योतिषी कौन था। वाई डिड ही लेफ्ट, यानी कि वो अपने घर को क्यों छोड़ दिया था, यानी कि वो किसी हत्या कर दिया था तभी तो छोड़ दिया था, ये चीज़ आपको बताना है। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा, यानी कि इसी जैसे पिछला था कि उसमें जो पैसेज था, लेकिन यहाँ पे स्टेंजा यानी कि यह पद्यांश लिया गया है, ठीक है। तो पद्यांश में आपको क्या करना है, इसको सिंपली इसको पढ़ना है, यानी कि यह कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। ये राइटर का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो पोएट, तो पोएट इसके कौन से हैं, ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई इसमें फ्रेंड्स। यही चीज़ रेफरेंस है, रेफरेंस सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपका रेफरेंस सही है तो कॉन्टेक्स्ट और जो एक्सप्लेनेशन होता है ये एग्जामिनर अपने ऑटोमेटिक सही कर देता है। बस ज़्यादा ध्यान उसका हो जाता है किस पे, कि किस चैप्टर से लिया गया, लड़का सही लिखा है या नहीं लिखा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स अभी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये लिया गया है ये हैप्पी कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है इससे लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर हेनरी, यानी सर हेनरी वाटन है। तो फ्रेंड्स इसको आपको मैं बता दिया इसके पोएट कौन है, और फ्रेंड्स इसमें एक ही करना है इसको, आप इसलिए एक ही देखिए। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठवां, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम से। तो आपको क्या करना है, सिंपली द ट्रू ब्यूटी का लिख देना है, यानी कि ट्रू ब्यूटी को आप पढ़े ही होंगे, उसमें क्या करना है, उसको क्या वर्णन करना है, तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप जरूर पढ़िए। ट्रू ब्यूटी हो गया, और कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ हो गया, ऑन इज ब्लाइंडनेस तथा सॉन्ग ऑफ फ्री, ये मतलब तीन चार जो है सेंट्रल आइडिया आपको याद कर लेना, बोर्ड परीक्षा में भी काम देगा, ठीक है। हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइटर द डिफिनेशन, यानी कि राइट द डिफिनेशन ऑफ एनी वन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि जो फिगर ऑफ स्पीच दिया है, यानी कि अपोस्ट्रॉफी हो गया, हाइपरबोले हो गया, सिमली हो गया। तो सिमली का आपको पता ही होगा, यानी कि जो शुरू में सात हमारे इंटर के कोर्स में जो है सिलेबस में वह सात फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी हो गया, हाइपरबोले हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया, ओमनी पेरेंस हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें से आपको तीन या चार याद करें, यानी कि सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन, ये चीज़ें तीन चार तो याद रहेगा, तो उसमें से आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। तो आपको इसमें फिलहाल जो सिमली का है इसको दो उदाहरण दे देना है और उसकी डिफिनेशन बता देना है, इसके लिए आपको चार नंबर मिलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में आपको मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेक्शन बी, यानी कि ये जो आप जब भी लिखेंगे, एक मान लीजिए सेक्शन एक खत्म होगा, उसको मान लीजिए जो है नेक्स्ट पेज में तीन चार लाइन भरा, उसका जो आपका सेक्शन बी आ गया, तो उस पेज को पूरा ही छोड़ देना, ठीक है। उस पेज को छोड़ करके नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, उसका सेक्शन बी डालना है, क्योंकि अलग अलग ही रहता है, तो आपको मतलब एग्जामिनर उसको समझ आता है, ठीक है, और नंबर भी आपको अच्छा मिलेगा, अलग लिखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट पहले ही क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि आठवें से, आठवें का ए क्या दिया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच, यानी कि जो ये डायरेक्ट स्पीच है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। तो पहला पढ़ना है, यानी इसमें से जो आसान लगे वही करना है आपको। तो इसमें मान लीजिए मैं आपको पहला बता देता हूँ, द डॉक्टर सेड टू द, फिर से आप थोड़ी मिस्टेक हो गई ये पेपर छापने वाले का, टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली, यानी कि डॉक्टर ने क्या कर रहा है, मरीज को सलाह दे रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे एडवाइज लगा देना है। तो डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, यानी द पेशेंट यहाँ पे टू करना है, यानी कि इंजेक्शन के रूप में क्या करना है आपको, टू लगाना है। टेक फिर यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट है, इसको फिर यहाँ पे सेकेंड पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे, तो पेशेंट क्या है, यानी कि मरीज एक ही है, तो यहाँ पे क्या करना है, हिम, तो टेक हिम मेडिसिन प्रॉपरली, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सी विल से टू मी यू आर नॉट सिंसर, यानी सिंसर टू मी, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, तो ये इसकी सहायक क्रिया भी नहीं बदलती है, यानी कि जो कॉमा वाले भाग होता है, कॉमा के अंदर ब्रैकेट के अंदर होता है, ये बदलता नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको, सी विल से, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे सी विल से टू मी, यहाँ पे फ्रेंड्स जो से टू है इसको आपको टेल टेल, ठीक है, टेल में, तो यहाँ पे करना क्या आपको, सी विल टेल मी यहाँ पे यू आर, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट लगा देना है, यू आर
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे यू भी बदल देना है तो आई हो जाएगा, और यहाँ पे आर, आर का मतलब यहाँ पे इज कर देना है, ठीक है, इज नॉट सेंसर टू मी, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कंबाइन एनी वन सेट ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्ट विद इन इन द ब्रैकेट, यानी कि जो ब्रैकेट में दिया है इसी के अनुसार आपको ये वाला वाक्य को चेंज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या है कि नाइट केम ऑन द रूम ग्रीव अप, यानी कि जो रात आते ही हमारा कमरा जो है अंधेरा हो जाता है, हमारे कमरे में अंधेरा हो जाता है, तो आपको करना क्या है, इसमें कंपाउंड बनाना है। तो इसलिए इसको करना क्या, आपको बस सिंपली ये वाला चाय बनाइए, चाहे ये वाला बनाइए, ठीक है। मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, सुजीत वेंट टू आगरा, ही वॉन्ट टू सी द ताजमहल। तो इसमें करना क्या, आपको ये जो है इन्फिनिटिव के द्वारा बना देना है, सुजीत वेंट टू आगरा, अब क्यों जा रहा है, तो टू सी द ताजमहल, ताजमहल के देखने, यानी कि बस ये वी वॉन्ट टू हटा देना है, उसके बाद सी वन टू ताजमहल हो गया, ठीक है, बहुत इतना आसान है। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस आई डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में जो दिया गया है उसी के अनुसार आपको चेंज करना है। तो हु टीच से यू इंग्लिश, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, बाई हुम से बनाना है, इसको आप बना लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिज ब्रैकेट एज पिंकड, यानी कि एक्टिव वॉइस में। फ्रेंड्स ये तो ये जो है ऊपर वाला एक्टिव वॉइस में था, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, लेकिन यहाँ पे जो है ये पैसिव वॉइस में है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में करना है। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, इसमें आपको शुरुआत करना है समवन से, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसलिए आपको यहाँ पे समवन मान लेना है, यानी कि समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, यानी कि कोई किसी ने उसके जेब से पैसे चुरा लिए, निकाल दिए थे। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि डी करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इसमें से किसी चार दिया गया है, इसमें से आपको दो ही को करेक्ट करना है, तो मैं आपको दो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करना क्या, आपको सी, यानी कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सन दिया है, सन के पहले आपको ये सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, इसके आगे द लगता है, तो यहाँ पे क्या करना, द लगा देना सिंपली, द सन राइजेस इन, उसके बाद जो है पूरे सभी दिशाओं के आगे जो है, यानी चार दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं के आगे क्या लगता है, द लगता है, तो यहाँ पे द इष्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ही इज इल सिंस संडे, यानी कि वह जो है रविवार से बीमार है, तो आपको सिंस या फॉर्म किसमें लगता है, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि लास्ट बने, यानी कि जो दिया रहता है संडे उसमें लगता है। तो यहाँ पे इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब में कोई दिक्कत है, तो इसमें आपको दिक्कत में क्या करना है, ही, उसके बाद यहाँ पे हैज बीन इल सिंस संडे, तो इस तरह आपको कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जो ये सिनोनिम्स दिया है, यानी तीनों को करने के लिए आपको तीन नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो तीन नंबर मिलने के लिए आपको क्या करना है, इन सब का आपको जो सिनोनिम्स लिख देना है। तो ब्यूटीफुल का हो गया पीटी हो गया, ब्यूटीफुल का पीटी हो जाएगा, और कपल्स का हो जाएगा पेयर हो जाएगा, यानी कि PAR, पेयर पेयर मतलब जोड़ा होता है। और डिस्प्ले का हो जाएगा क्लियर, यानी कि डिस्प्ले का मतलब प्रेजेंट, यानी कि वह उपस्थित हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब चौड़ा होता है, तो यहाँ पे चौड़ा का क्या हो जाएगा, पतला, तो यानी कि स्लिम, स्लिम हो जाएगा, SLIM स्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डिफीट, डिफीट मतलब हारना होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका मतलब सिनोनिम एंटोनिम्स लिखना है, एंटोनिम्स का मतलब कि इसका विपरीत अर्थ लिखना है, तो हारना का जीतना होगा, ठीक है, तो विन हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे रॉन्ग दिया है तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही कंफर्म हो गया आपको, तीन नंबर इसमें, तीन नंबर इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड्स फॉर फॉलोइंग ग्रुप्स एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स ऑल पावरफुल, यानी कि जो सभी सर्वशक्तिमान हो उसे क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट, यानी कि या ऑल माइटी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ट्रेवलर इन द स्पेस, यानी कि जो हमेशा अंतरिक्ष में यात्रा करता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनोर, यानी कि एस्ट्रोनर, ASTONER, एस्ट्रोनर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन हु लव्स बुक्स, यानी कि जो किताबों से प्रेम करता है, बाइबलियोग्राफी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हो गई, और हम लोग तीन नंबर इसमें भी कंफर्म हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ऑन, सो यानी कि इसका अर्थ भी लिखिए, इसका मीनिंग जो है कि कैरियर का क्या अर्थ होगा, और कैरियर यानी कि दोनों कैरियर ही होमोफोन्स है ये। इसमें फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है कि वाक्य प्रयोग कर देना है, यानी कि कैरियर का
इस तरह बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा और कैरियर क्या अर्थ होगा। तो फ्रेंड्स, आप जो कैरियर होता है ये शिक्षा की जैसे कोई भी लक्ष्य होता है उसके बारे में होता है, और ये कैरियर जो है जैसे मान लीजिए साइकिल का कैरियर हो गया, किसी गाड़ी का जो पीछे का ढाला होता है उसे कैरियर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैं इसका बता रहा हूँ कि माई सन्स कैरियर इज ब्राइट, यानी कि माई सन्स मेरे बेटे का जो कैरियर है वह बहुत ही अच्छा है, आगे चल कर बहुत अच्छा काम करेगा। इसको कैसे करना आपको, माई सन्स कैरियर इज ब्राइट, यानी कि ब्राइट है। और नहीं, ये वाला हमको कैसे करना है, जैसे आई ब्रॉट, यानी कि मैं लाया, आई ब्रॉट 10 बॉक्स ऑन ऑन द कैरियर हिज बाइसाइकिल, यानी कि अपने साइकिल पर मैं 10 बॉक्स को लेकर आया, तो कैरियर ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ई वाला, यूज एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग आइटम फ्रेज इन योर ऑन सेंटेंस टू एज टू मेक दियर मीनिंग्स क्लियर, यानी कि इसमें से सभी का मीनिंग क्लियर करके आपको इसको भी वाक्य प्रयोग करना है। आइडम फ्रेज इसको आपको क्या करना है, टेनियर वगैरह में देख लेना है, ठीक है। टेनियर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ब्रेकआउट का मिल जाएगा, और लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, तो देखभाल यानी कि उसने मेरे गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे की सेवा की, यानी देखभाल की, तो ये चीज़ मतलब इस तरह आपको वाक्य बना के लिख देना है, ठीक है। और इसमें 10वां का क्वेश्चन देख लेना, आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसको फ्रेंड्स आपको जरूर, चाहे आपको गलत ही आ रहा है, वो आपको करना है, क्योंकि अगर किए रहेंगे तो आपको आराम से 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर तो बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो जिसका सब सही होता है, लेकिन आपको आराम से 8 नंबर, 7 नंबर मिल जाएंगे किए रहेंगे, तो गलत सही किए रहेंगे तब भी आपको मिलेगा नंबर। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे 12वां क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, 12 क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 6 नंबर मिलेगा ये, और इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इसको पढ़ लीजिए, इसको इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़िए, उसके पढ़ने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर आपको बारी बारी से सबका देना है, ठीक है। ये चीज़ें आप इसको कर लिए होंगे। और फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट एक क्वेश्चन छूट रहा था कि राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 24 यानी कि 2050, तो इसमें यानी 250 शब्दों में लिखना है, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सिंपल दिया है, योर फेवरेट, यानी कि आपके नेता फेवरेट कौन है, मान लीजिए से योगी हैं, योगी नहीं आपको याद रहा तो अपने प्रधानमंत्री पे लिख दीजिए, नरेंद्र मोदी पे, और इंटरनेशनल योगा डे ये भी आप कर सकते हैं, करप्शन यानी कि जो है हमेशा हर जगह जो करप्शन हो रहा है उसको बारे में बता देना है। तो इसको 250 पेज में, यानी कि जो निबंध होता है उसमें कुछ भी लिखिए, लेकिन बस 250 यानी 2-3 पेज लिखिए, उसमें आपको कितना भी गलत रहेगा तब भी आपको 6 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा।